प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के घर में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, बेतेल में आपका स्वागत करते हैं। बेतेल का अर्थ है कि जहां पर बेतेल का अर्थ है खुदा का घर। जब अपने घर से अपने भाई से भाग करके याकूब जब गया और एक जगह पर वो रुका जहां पर उसे नींद आई और वो सोया, जहां पर उसने स्वप्न देखा कि स्वर्गदूत आसमान से उतर रहे और चढ़ रहे, तो उसने उस स्थान का नाम बेतेल रख दिया, जिसका मतलब है कि खुदा का घर। वहां पे स्वर्गदूत चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। बेतेल का अर्थ है खुदा का घर। फिर जब वो अपने मामा के यहाँ रह चुका और सेवा कर चुका, फिर परमेश्वर ने उससे कहा बेतेल को चला जा। और वो बेतेल को जब जब गया उस स्थान पर जब गया तो उसने उस स्थान का नाम एक बार फिर से एल बेतेल रख दिया। एल बेतेल का मतलब यहोवा जहाँ पर रहता है, खुदा का घर। खुदा के घर में आज की सुबह आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं आपका कि आप उसकी उपस्थिति में आए हैं। एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ जो आपको मिल जाएगा भजन संहिता 73, जहाँ पर जिसे मैं शुरू से पढ़ रही थी जब, तो यहाँ पर लिखा है कि कैसे दुष्ट लोग जो होते हैं वो पृथ्वी पर फलते और फूलते हैं, और जो खुदा के लोग होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, उनको देख करके उन्हें लगता है कि ये बुरा काम भी कर रहा है फिर भी ये इतना फल फूल रहा है। लिखा है कि सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर खुला है। और लिखा है तीसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं पूरा पद तो बहुत लंबा है पूरा नहीं पढ़ूंगी, पर जब मैं इसको पढ़ रही थी तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में दाव करता था। कितनी बार मेरे और आपके साथ ही ऐसा हुआ होगा कि जब हम और आप जो लोग अच्छे नहीं है, जो लोग खुदा को नहीं जानते हैं, या जिनके मुंह से सिर्फ बुराई ही निकलती है, जिनके जबान से कोई अच्छी बात नहीं निकलती है, फिर भी उनके साथ अच्छा अच्छा होते हुए जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये हम अच्छा अच्छा कर रहे हैं फिर भी हम उतने अच्छे से नहीं रह रहे, पर ये बुरा करके भी इतना फलवंत हो रहा है और इसकी चीजें बढ़ती जा रही हैं। पर एक बात बताना मांगती हूँ आपको, जो ये भजन दाऊद का तो नहीं है, ये आसाफ का भजन है। ऊपर में लिखा हुआ है कि आसाफ का भजन। अपने सालों पर खड़े हो सकते हैं। 26 पद में इस प्रकार से लिखे हुए देखा, उनको फलते फूलते हुए देखा। लिखा है कि अब आसाफ कह रहे हैं कि मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय का धाम बना है, मेरा चट्टान बना है। और 27 पद में लिखा है कि जो तुझसे दूर रहते हैं वो फल फूल तो रहे हैं, जो तुझसे दूर रहते हैं वे फलता है। परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार करने का अर्थ होता है परमेश्वर के स्थान पर किसी और को रख देना, परमेश्वर के स्थान पर किसी और को रख देना जो तेरे विरुद्ध में व्यभिचार करते हैं, तू उनका विनाश करता है। पर 28 पर बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हाँ, मैंने संसार में दुष्टों को बहुत बढ़ते हुए देखा है, उनको देखा है कैसे तेजी से वे बढ़ गए, कैसे वो फले फूले हैं, पर दुष्टों का अंत हो जाएगा। और लिखा है परंतु मेरे लिए मैं चाहे जैसे भी हूँ, चाहे जैसा भी हूँ, पर आसाफ कह रहा है, भजनकार कह रहा है कि मेरे
प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। प्रभु जो जूम पर हैं,
नासरी। आज का दिन फरक दिन हो जाए प्रभु यीशु नासरी, और ये दिन इन्हें हमेशा याद रहे, तुम्हें हमेशा याद रहे। पवित्र आत्मा तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यदि कोई बीमारी में बैठा है प्रभु यीशु नासरी, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को घुड़कते निकलो यीशु के नाम से। प्रभु तेरे पास आते हैं, तेरे पास आ जाते हैं। क्या आखिरी बार अपने हाथों को उठा करके यीशु नासरी से इस बात को कहेंगे, उसकी उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है, आइए उससे कहें, यीशु मेरे लिए तो तेरे पास रहना ही भला है। क्योंकि हम तो अब जान चुके हैं, हमने पढ़ा है कि तूने कहा है कि वो भाग जो इसने इस औरत ने चुन लिया है इससे छीना ना जाएगा, तुझसे दूर रह करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तेरे समीप रहकर ही हम सब कुछ को हासिल करेंगे। और क्या हासिल करें यीशु, बस तू हमें मिल जाए ये हमारे लिए काफी है। परंतु मेरे लिए और मेरे घराने के लिए तो हे परमेश्वर तेरे समीप रहना यही मेरे लिए भला है। तेरे हाथ में पूरी इबादत को सौंप देते हैं और यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।